हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉली। आज बनाऊंगी आटे की नान। आटे की नान बनाना बहुत ईजी है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जिस तरह से हम मैदे की नान बनाते हैं वो बिल्कुल वैसे ही नान बनके तैयार हो जाती हैं। मैं इसको आज तवे पर बनाऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आटे की नान बनाना शुरू करते हैं। आटे की नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गेहूँ का आटा लिया है, जो हम नॉर्मल रोटी के लिए यूज करते हैं वही आटा लिया है मैंने यहाँ पर। एक चम्मच शुगर पाउडर यानी कि पिसी हुई चीनी ली है मैंने यहाँ पर। एक तिहाई चम्मच बेकिंग सोडा, एक तिहाई चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी चम्मच नमक, एक चम्मच ऑयल, एक कटोरी दही, पानी लेंगे ज़रूरत के अनुसार। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देते हैं, एक तिहाई चम्मच बेकिंग सोडा डाल देते हैं, एक तिहाई चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, आधी चम्मच नमक डाल देते हैं और एक चम्मच ऑयल डाल देते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम बचा लेंगे और ये दही डाल देते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ये तो आटा हमारा पतला हो जाएगा। और इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं सॉफ्ट आटा, बिल्कुल वैसा ही आटा हम इसके लिए तैयार कर लेंगे। अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है मैंने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से 2.5 घंटे के लिए ढक के रख देंगे, उसके बाद हम इसके नान बनाएंगे जब तक ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। आटे को रखे हुए 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसको अच्छे से और मथलेंगे, इतना मथलेंगे कि बिल्कुल चिकना हो जाए। आटा अच्छे से चिकना हो गया है, अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से लोई को हम नीचे की तरफ घुमाते हुए इसकी लोई बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम लोई को बना बना के रखते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी लोई भी बना लेते हैं, इसको भी हम इसी तरह से नीचे की तरफ घुमाते हुए इसकी लोई बना लेंगे। इसी तरह से सारी लोइयों को बना बना के रख लेंगे। मैंने सारी लोइयों को बना के रख लिया है और मैंने इसके लिए थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है और ये थोड़ा सा पानी ले लिया है कटोरी में। अब हम नान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लोई लेंगे और इसको थोड़ा सा सूखे आटे में लपेट लेंगे इस तरह से और इसको हम बेल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा मोटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको चारों तरफ से एक जैसा ही बेलना है। आप चाहें तो गोल भी बेल सकती हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको लंबाई में बेल सकती हैं, जैसे आपको अच्छे लगे वैसे नान आप बना सकती हैं। इस तरह से अब हम इसमें ऊपर की साइड से हम इसमें पानी लगा देते हैं। अब हम इसको सेक लेते हैं। अब मैंने गैस ऑन करके तवा रख दिया है, तवे को गर्म होने देते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम नान डालते हैं। तो जिस साइड से हमने इसमें पानी डाला है उसी साइड से हम इसको तवे पे डालेंगे इस तरह से।
आप देख सकती हैं नीचे की साइड से अच्छे से सिक गया है, इस पे ऊपर से बबल्स दिख रहे हैं। अब हम इसको ऊपर की साइड से सेक लेते हैं। अब हम तवे को उल्टा करके इस तरह से नान को घुमाते हुए सेक लेंगे इस तरह से। ये नान हमारी अच्छे से सिक गई है और आप देख सकते हैं पीछे से भी बहुत अच्छी नान सिकी है हमारी। अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी नान बना लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी नान को भी तवे पे डाल देते हैं। ये नान भी हमारी नीचे से अच्छे से सिक चुकी है। अब इसको भी हम इस तरह से तवे को घुमाते हुए इसको भी हम सेक लेंगे। ये नान भी हमारी सिक के तैयार हो गई है और नीचे से भी ये बहुत अच्छी सिक के तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी नान को बना बना के रख लेंगे। ये हमारी सारी नान बन के तैयार हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ऊपर से। ये हमारी आटे की नान बन के तैयार हैं। आपने देखा इसको बनाना कितना ईजी है, जैसे रेस्टोरेंट में जाके मिलती है बिल्कुल वैसी ही नान बनी है ये, और ये बहुत हेल्दी भी होती हैं। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।